आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंक्वायरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यानी कि हमारे स्कूल में जब कोई भी स्टूडेंट्स इंक्वायरी करने के लिए आते हैं तो पहले हमें उसे सॉफ्टवेयर में ऐड करना होता है और उसके बाद हम उसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है कि देखिए, जब भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल्स में आते हैं, आपके स्कूल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। या तो बच्चा आपसे डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकता है या फिर डायरेक्टली जा करके एडमिशन ले सकता है। तो अगर आप बच्चा स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और वो डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन टैब में उनकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो एडमिशन ना लेकर के पहले आपसे स्कूल से रिलेटेड इंक्वायरी ले रहे हैं तो आप उनका एक इंक्वायरी डिटेल ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, बाद में उनको फॉलो अप करके उनको एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप बच्चे की इंक्वायरी लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सारा के सारा डेटा इंक्वायरी से एडमिशन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों, आपको तो पता ही कि आपके स्कूल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, स्कूल के लिए वेबसाइट हो, या डेस्कटॉप बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सभी चीजों के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करते हैं। यहां पर आप देख ही सकते हैं, यहां पर आपके स्कूल का नेम शो होगा, यहां पर आपकी सिटी शो होती है और यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेटा रिकॉर्ड करके रखता है। बस यहां पर हमने डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर हम यूजर नेम देंगे। तो चलिए मैं यहां पर यूजर नेम एंटर कर लेता हूं, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर हमें पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद हम डबल एंटर प्रेस करेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है, जहां से आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं और मैनेज करके रख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इंक्वायरी मैनेजमेंट की बात कर रहा था। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको इंक्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, या फिर अगर आप शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस यू भी प्रेस करेंगे तो इंक्वायरी में जा सकते हैं। और एडमिशन का क्या फंडामेंटल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इंक्वायरी और इंक्वायरी के नीचे एडमिशन, ये दो ऑप्शन आपको यहां पर दिख जाता है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहां पर एडमिशन पे क्लिक करके, यहां पर देखिए जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया उनके सारे लिस्ट शो होंगे, आपको न्यू बटन पे क्लिक करना और यहां से आप एडमिशन की सारे डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका स्टूडेंट इंक्वायरी करने के लिए आया तो आपको इंक्वायरी में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपके बच्चे ने इंक्वायरी किया हुआ है पहले से, तो आप यहां पर प्लस बटन पे जैसे ही दबाएंगे तो वो इंक्वायरी से डायरेक्टली आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके पास अगर बच्चा इंक्वायरी के लिए आता है तो ये देखिए इंक्वायरी का हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया। जितने भी बच्चे आपके पास इंक्वायरी के लिए आएंगे उनकी सारी लिस्ट शो होगी। अब यहां से ना आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं कि नेक्स्ट उनसे कब आपको बात करनी है, नेक्स्ट उनको वो कब आपके लिए एडमिशन के लिए आ रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्या होता है कि 100 बच्चे आपके पास इंक्वायरी के लिए आए और उसमें से 25 ने एडमिशन लिया, रेस्ट जो 75 स्टूडेंट्स रह गए उनको अगर आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो वो बच्चे भी इंक्वायरी से आपके एडमिशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उनका डेटा आपके पास आपके स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक जगह पर होता है, तो इससे क्या होता है कि आपको ट्रैक करने में आसानी होती है। तो चलिए फटाफट से मैं एक न्यू इंक्वायरी ऐड करके आपको दिखाता हूं कि आखिर ये न्यू इंक्वायरी जो बच्चा आ रहा है उसे ऐड कैसे करते हैं। तो जो भी आप ऐड करेंगे वो सारे लिस्ट आपको यहां पर शो होंगे। न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो जो भी बच्चे आपके पास इंक्वायरी में आते हैं उनको आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट से भी आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उनको चाहें तो आप यहां से SMS भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो SMS से क्या होता है कि आप ब्रॉडली एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को SMS करेंगे तो उसमें से भी कुछ बच्चे आपके कन्वर्ट हो सकते हैं एडमिशन में। तो एनीवे, चलिए फिलहाल हम न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, एक न्यू इंक्वायरी ऐड करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कर लिया हमने। न्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक छोटा सा विंडो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आज की डेट, इंक्वायरी डेट, जो आज की डेट है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है आपके सिस्टम से। वैसे अगर आप चाहें तो प्रीवियस डेट में भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एनीवे, उसके बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। इंक्वायरी नंबर जो है ये सीरियल नंबर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जहां से आप चाहे वहां से सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। एनीवे, अगेन यहाँ पर है सीकिंग एडमिशन क्लास, यानी कि बच्चे जब इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं तो वो कौन सी क्लास के लिए आ रहा है। तो आप यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं यहाँ से 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नेम आ रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट का नाम है तनवीर आलम, तो यहाँ पर आपको जस्ट टाइप करना है तनवीर आलम। देखिए मैंने यहाँ पर नेम बहुत ही प्रॉपर वे में टाइप कर दिया है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है एड्रेस, तो यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, 4504 राधेश्री। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, को सेकेंड एड्रेस देना होता है तो यहाँ पर हम सेकेंड एड्रेस देंगे लाइक दिस। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी सिटी देनी होती है, तो जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन एंटर, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट कि आप बच्चों को फॉलो अप आसानी से कर सके। तो यहाँ पर चलिए मैंने 7070982408 यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होता है तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल 14 जुलाई, तो 14th जुलाई, और यहाँ पर आप 2003 देना है तो 2003 इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो जेंडर है ये जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप किया है इसे चाहें तो हम स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नेम लिख सकते हैं, किस क्लास के लिए बच्चा एडमिशन के लिए आ रहा है वो लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो ये सारे डिटेल्स फिलअप भी कर सकते हैं या फिर स्किप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फादर्स नेम, मोबाइल, फादर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को मैं फिलहाल यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी, जैसे कि md.tanveer1337@gmail.com आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, ताकि आपको एग्जैक्टली ऑफिस यूज के लिए पता हो तो वहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, जैसे कि GBEC करके एक स्कूल है, ये इनका लास्ट स्कूल था, तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। लास्ट एग्जाम गिवन ये आप मेंटेन कर, लास्ट ईयर कौन सा था, 22 था, वो मेंटेन कर लिया। आप क्या है, पास है और या फेल है, ये देखिए आपको यहाँ पर शो होगा, तो जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोस्टली पास ही होते तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर फेल होगा तो फेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मार्क्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज पे, बोर्ड कौन सी थी, यूनिवर्सिटी, प्रोस्पेक्टस नंबर, एडमिशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए अगर कुछ बात हो रही है तो वो भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है रिमार्क्स, रिमार्क्स के लिए आप ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि बच्चा किस टाइप का इंक्वायरी ले रहा है। तो यहाँ पर अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्टेड करके एक रिमार्क्स दे दिया है, अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ फीस में कंसेशन चाहता है तो वो भी हम यहाँ पर ऐसे टाइप से मैंशन कर सकते हैं, या फिर आपने कोई फीस उनसे कमिट किया है कि हम आपसे इतना फीस लेंगे एडमिशन के टाइम पे या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो आप यहाँ पर रिमार्क्स में मैंशन कर सकते हैं क्लियर वे में। सो दैट इससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चा जब नेक्स्ट टाइम एडमिशन के लिए आएगा तो आप इंक्वायरी से डेटा जो है वो आपके पास एडमिशन में प्रॉपर वे में आ जाएंगे। फिलहाल इसे आपको ऐसे तरीके से सेव कर लेना होता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने विंडो ओपन होकर के आ गया, न्यू इंक्वायरी हैज बीन एडेड, यानी कि जो न्यू इंक्वायरी आया स्टूडेंट के लिए वो आपने ऐड कर लिया। अब इसे आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे आप देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक प्रिंटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा फॉर्मेट आ जाएगा आपके स्कूल के नेम से, और जो डिटेल्स आपने फिलअप किया होता है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर शो होते हैं। और ये फॉर्म आप बच्चे को दे भी सकते हैं, अगर वो बच्चा अपना खुद से भी कुछ फॉर्म जैसे यहाँ पर फादर्स का डिटेल्स वगैरह फिलअप करना चाहता है तो वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 है कि आपने जो इंक्वायरी फिलअप किया, बच्चा आपके पास इंक्वायरी के लिए, आपने उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया, उसके बाद आपने फॉर्म भी प्रिंट करके दे दिया, तो बच्चा उससे फॉर्म अपने से भी लाइक वहाँ पर फिलअप कर सकता है या फिर आप अपने साथ कंप्यूटराइज भी फिलअप करके रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। एनीवे इस फॉर्म को आप चाहे तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल पे शेयर कर सकते हैं या फिर इसका डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको एक जगह पे मिल जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि इस विंडो को हम क्लोज करते हैं। अब जैसे ही इस विंडो को क्लोज करेंगे और फिर से अगर हम इंक्वायरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो लिस्ट हमने बनाया था ये देखिए आपको यहाँ पे इंक्वायरी में ये डिटेल्स शो होगा, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर्स नेम हमने नहीं लिखा था इसलिए ब्लैंक आ रहा है, क्लास, कॉन्टेक्ट नंबर देखिए बहुत ही प्रॉपर वे में आ रहा है, प्रोस्पेक्टस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस अभी हमने कुछ उनसे डिस्कस नहीं किया है, कोई बात नहीं की है, कोई फीस लिया नहीं है इसलिए यहाँ पर 00 आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। तो अगर आज के डेट में आपको देखना है कि आज के डेट में मेरे पास कितने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम डेट और टू डेट दोनों सेम है तो आज के डेट का आ रहा है। अगर आपको एक साल पहले का देखना है, एक महीने पहले का देखना है, एक वीक का देखना है, मतलब कि आप जैसे चाहे वैसे अगर आपको ट्रैक करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, और जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना होता है। तो हर एक डेट वाइज ये
आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करेगा। जैसे कि देखिए मैंने 1 अप्रैल से किया, तो यहाँ के हर्ष नाम से हमने कोई बच्चा इंक्वायरी किया था, तो वो डिटेल्स देखिए यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज होंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि जैसे अभी हमारे सामने 2 स्टूडेंट्स की इंक्वायरी दिख रही है, इसी तरीके से जितने भी बच्चे आएंगे आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर में अपने बच्चों की इंक्वायरीज की लिस्ट बना सकते हैं। अब वो बच्चा कब आपका फॉलो अप में जा रहा है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जैसे इस बच्चे का कोई डिटेल अगर आपको चेंज करना है, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर करके यहाँ पर अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पर एडिट करना, मॉडिफाई करना बहुत आसान है, इवन डिलीट करना भी आसान है। तो चलिए यहाँ से तो ये हो गया हमारा सिस्टम। अब लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज ऐसे अगर आपके पास 100, 200, 500 हो गए तो उनको आप चाहे तो एक्सेल सीट में बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट क्या होता है कि सारे के सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके एक्सेल सीट में आ जाएंगे, फिर आप एक्सेल सीट से उनको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको SMS का मिलता है कि अगर आप एक साथ इन दोनों बच्चों को SMS करना चाहते हैं तो बस सेलेक्ट करके आपको SMS पे क्लिक करना होता है, और यहां से उनको आप एक टेम्पलेट के थ्रू SMS शेयर कर सकते हैं, और उन बच्चे को जब SMS जाएगा तो उससे भी आप उनको प्रमोट कर सकते हैं अपने स्कूल को, और बच्चा एडमिशन के लिए आपके साथ फिर से दोबारा से फॉलोअप में आ सकते हैं। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फीचर और है, फिलहाल मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे नीचे में आप देख सकते हैं कि सर्च और शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर किसी स्टूडेंट को आप सर्च करना चाहते हैं इंक्वायरी से स्टूडेंट के नेम से, तो आप यहाँ से आसानी से सर्च तो कर ही सकते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी कि जेड से A, A to Z स्टूडेंट नेम, कोर्स वाइज, इंक्वायरी नंबर वाइज आप आसानी से उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलता है, वो है पेंडिंग और सक्सेसफुल का, यानी कि कितने स्टूडेंट्स आपके हैं जो पेंडिंग में है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंक्वायरी से सक्सेसफुल में जा चुके हैं, उनको भी आप यहाँ पर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इंक्वायरी वाले सेक्शन को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एडमिशन सेक्शन। तो जैसे देखिए मैं एडमिशन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जब मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये मेन स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं उसको चेंज करना तो वो चेंज भी कर सकते हैं। अगेन करेंगे यहाँ पर देखिए लास्ट एडमिशन नंबर आपको यहाँ पर शो करता है, तो आप लास्ट एडमिशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है वो सीरियल वाइज ऑटोमेटिक ऐड होता जाए, तो वो हम जब इसमें मास्टर सेटिंग करते हैं ऑप्शंस में तो उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर लेता है। एनीवे यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पूरा फुल नेम देना होता है अगर आपका बच्चा न्यू एडमिशन ले रहा है, लेकिन अगर आपका बच्चे ने पहले से आपको इंक्वायरी किया हुआ और वो एडमिशन के लिए आ रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप बच्चे का नाम ना लिख करके जस्ट आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होता है। और यहां पर देखिए अभी हमने एक हर्ष और तन्वीर आलम के नाम से ये ऐड किया था इंक्वायरी में ये नेम, तो ये नेम आपको शो हो जाएगा, बस आपको इस पे क्लिक कर लेना होता है। अब आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वाले एडमिशन फॉर्म में आ जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास 500 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज हैं तो उनको भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने स्टूडेंट नेम सिर्फ तन्वीर सर्च करना, मैंने यहाँ पे तन्वीर लिखा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको सिर्फ तन्वीर नाम पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। तो एनीवे अभी मैं इस पे जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए उसका सारा डिटेल जो हमने तन्वीर आलम फिलअप किया था, कौन से क्लास के लिए किया था, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है। अब जो जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है वो आप फिलअप कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी ये सब जो हमने फिलअप किया था वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा है। यहाँ से दोस्तों रोल नंबर आप असाइन कर सकते हैं, रूट मास्टर कितने किलोमीटर से वो आते हैं, बस नंबर, रिलीजन, कैटेगरी, हाउस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपने इंक्वायरी में डाला होता है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आपने नहीं डाला तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल इन्फो में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट स्कूल अटेंडेंट आपने लिखा था वो आपको यहाँ पर शो हो गया, रिमार्क्स जो आपने दिया था वो देखिए यहाँ पर भी आपको रिमार्क्स में शो होगा, आप यहाँ पर अपने रिमार्क्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लास्ट एग्जाम और सारे डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं, TC, CC, रिपोर्ट, CC इनको भी आप अटैच कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप सॉफ्टवेयर में एक जगह अरेंज करके रख सकते हैं ताकि बाद में आपको आसानी हो किसी भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करने में। तो आपके पास स्कैंड कॉपी सॉफ्टवेयर में अरेंज्ड होता है प्रॉपर वे में, तो ये बेनिफिट होता है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का।
तो दोस्तों इतने आसान तरीके से बस उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। अगर स्टूडेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो एनीवे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा कि अगर किसी भी बच्चे की इंक्वायरी करनी है, फिर उसको फॉलोअप करना है या फिर इंक्वायरी से एडमिशन में कन्वर्ट करना है, तो आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके स्कूल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया। तो ये एक डेस्कटॉप बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर हम देते हैं जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाता है, और वहाँ से आप अपना एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं किस बच्चे का कितना फीस आया, कितना ड्यूज रह गया, सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है जो कि क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे आप जिसका ओवरव्यू आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहां पर भी फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बेनिफिट ये होता है कि इसे आप कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट का भी लॉगिन पैनल मिलता है, पेरेंट्स का भी लॉगिन पैनल होता है, साथ ही साथ आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी लॉगिन पैनल होता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि पेरेंट्स अगर चाहे ऑनलाइन फीस सबमिट करना तो वो भी सबमिट कर सकते हैं, पेरेंट्स अगर अपने बच्चे का सारा एक्टिविटीज ट्रैक करना चाहते हैं तो वो यहां से लॉगिन करके अपने स्टूडेंट्स के सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हो ही गया, साथ ही साथ आपके स्कूल के लिए हम वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं। अब वेबसाइट का बेनिफिट ये होता है कि वेबसाइट में जो भी आपके स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रॉपर वे में यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। और आप अपने स्कूल में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो भी सर्विसेज आपके हैं, आपके जिस एरिया में, जिस लोकेशन में आपका स्कूल होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपके स्कूल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसलिए अगर आप कोई सा भी स्कूल रन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा स्कूल हो, कोई बड़ा स्कूल हो, चैन ऑफ स्कूल्स हो, अलग अलग लोकेशंस पे कोई स्कूल आप रन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास अल्टीमेटली ऑल इन वन सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।